14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के गाड़ियों पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें हमारे 45 सैनिक शहीद हो गए। ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए इंडियन आर्मी को टाटा कंपनी ने सौंपी QRFV यानी क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। ये बुलेट प्रूफ होते हैं और युद्ध के समय सेना की टुकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह सुरक्षित ले जाते हैं। इन गाड़ियों पर गोलियों का और लैंड माइन का कोई असर नहीं होता। गाड़ियों के अंदर बैठने वाले सैनिकों को ग्रेनेड ब्लास्ट से भी बचाया जा सकता है। ये क्विक रिएक्शन गाड़ियां 4x4 ड्राइव ट्रेन क्षमता के साथ आते हैं, जिसके वजह से इनसे कितनी भी कठिन रास्तों और चढ़ाई को आसानी से पार किया जा सकता है। ये गाड़ियां लेवल 4 ब्लास्ट प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। 14 से 21 किलोग्राम के एक्सप्लोसिव के धमाके को भी झेलने में सक्षम होते हैं। ये ड्राइवर के साथ 14 सैनिकों को ले जा सकते हैं। बैटलफील्ड में जरूरत पड़ने पर इन गाड़ियों के ऊपर मशीन गन भी लगाया जा सकता है। इन गाड़ियों में दमदार डीजल इंजन लगाया गया है, जो 240 bhp की अधिकतम पावर जनरेट करता है। सभी तरह के रास्तों में चलाने के लिए इसमें ऑल ट्रेन टायर लगाए गए हैं।